हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रॉस रियल फिटनेस एकेडमी। आज मैं लेके आया एक नया टॉपिक जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो ये बैक पोर्शन है और ये झुका हुआ होता है तो इसके क्या नुकसान है और क्यों होता है ये, तो इस बारे में हम आज जानेंगे। तो उसके लिए मुझे बुलाना पड़ेगा एक सब्जेक्ट, जो कि मैं सब्जेक्ट लेना आज बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर मैं पर्सनली बताता आपके लिए तो आपको समझ नहीं आता। एक मिनट टर्न हो ना। तो ये जो है इसका बैक पोर्शन है, ये परफेक्ट है जैसे कि रहता है बच्चों का, लेकिन क्या होता है मोस्टली बच्चों का थोड़ा कर्व, मतलब ये थोड़ा झुका हुआ हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम किस वजह से होती है ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ और इसके नुकसान क्या है। तो मोस्टली क्या होता है कि बच्चे प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं और बैग जो है, बैग उठाना एक मिनट, बैग। तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए, बैग टांगने के बाद जब ज़्यादा वेट हो जाता है, जैसे स्कूल जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वेट हो जाता है, तो ये वजन की वजह से आगे झुक जाते हैं ये। तो ये जो पोर्शन है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपको बता दे रहा हूँ, इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ से वीकनेस आती है बोन्स में, रीढ़ की जो हड्डी कहते हैं हम जिसको, उधर से वीकनेस आती है और ये थोड़ा कर्व हो जाता है, और कर्व मतलब ये थोड़ा झुक जाता है, तो इसमें नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आती है। तो इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना है, और ये बच्चों में अगर हो जाए ये प्रॉब्लम तो ये बहुत टाइम तक रहती है, मतलब कहने का मतलब अगर विदाउट एक्सरसाइज अगर आप चलें तो आपको लाइफ टाइम ये प्रॉब्लम रहेगी झुकने वाली। तो ये जो देखने में भी नज़रिया जो लोगों का रहता है देखने का, उसमें भी थोड़ा ऑड फील होता है। हाँ, तो गाइज आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या एक्सरसाइज फॉलो करनी है। तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये जो है इसका तो काफ़ी परफेक्ट है, लेकिन बहुत सारे बच्चों में, इस एज के बच्चों में खासकर जो 8th 9th स्टैंडर्ड के रहते हैं, तो इसमें काफ़ी दिक्कत आती है, ये थोड़े टर्न हो जाते हैं। तो सबसे पहली मैं प्रॉब्लम बता दे रहा हूँ, इससे नेगेटिविटी आती, मतलब आप अंडर कॉन्फिडेंस रहेंगे। कहने का मतलब है कि आप जब ऐसे झुक के चलेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता कभी भी, तो ये बात आप नोटिस कर लीजिए और आप चाहें तो लिख भी लीजिए कि अगर आप झुक के चलेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। तो ये आप अपने बच्चों में ये क्वालिटी अगर देख ली है तो उसको सुधारने की कोशिश करें। और मैं आपको फर्स्टली बता देता हूँ कि ये आपको एक्सरसाइज कैसे फॉलो करनी है। तो आप ये देखिए कि ये जो पोर्शन है, तो इसको हमें ठीक करने के लिए ये जो है बच्चों को खाली हाथ, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको जिम भेजना है या फिर ग्राउंड, या अगर नहीं भेज पा रहे हैं या फिर उसका पढ़ाई में कोई लॉस हो रहा है या फिर कुछ भी चीज़ है, तो आप घर पे ही उसको जनरली एक्सरसाइज करवा सकते हैं, और सिर्फ एक ही एक्सरसाइज से आपको पता चल जाएगा कि उसको रिजल्ट मिल रहा है इस चीज़ से। तो आपको ये हाथ आगे, ये हाथ आगे कर, सीधे करो, सीधे गर्दन से गर्दन सीधे करो, ये देखो ये हाथ आपको आगे करना है और ये टर्न करके ये पीछे, ये और ये तो इस एक्सरसाइज करेंगे, दोनों पैर बराबर रखो। तो जब आप, एक मिनट रुक जाओ, तो जब आप ये एक्सरसाइज, ये मैंने आपको बताया, तो देखो ये वाली जो एक्सरसाइज है ये आप कंटिन्यू अपने बच्चे से करवाएंगे 5-5 मिनट, कभी भी जब भी आपको टाइम मिलता है तो आप उस हिसाब से करवाइए। तो ये जो पोर्शन है, ये झुका हुआ पोर्शन है, तो ये इसमें मजबूती भी आ जाएगी और ये पोर्शन सीधा हो जाएगा, तो इससे आपके बच्चे को काफ़ी रिलैक्स भी होगा और रीढ़ की जो हड्डी है उसमें काफ़ी मजबूती आ जाएगी। तो ये था इसका बेनिफिट। तो अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये स्टैंडिंग पोजीशन थी, इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ सिटिंग पोजीशन में आपको क्या करना है। तो सिटिंग पोजीशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो चलिए गाइस उसको भी देख लेते हैं। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि ये जो पोजीशन है, मोस्टली बच्चे जो हैं इसी पोजीशन में बैठते हैं। तो इसको मैंने बोला है कि ऐसी पोजीशन में आप बैठें, तो आप देख सकते हैं कि ऐसी पोजीशन में बैठते हैं तो ये झुकी हुई होती है, तो अंडर कॉन्फिडेंस होते हैं बच्चे, काफ़ी टेंशन में रहते हैं इस एज में, काफ़ी टेंशन में रहते हैं, बल्कि प्रॉब्लम टेंशन कुछ होती नहीं है पर फिर भी झुक के बैठते हैं तो ये टेंशन उनमें अपने आप क्रिएट होने लग जाती है। तो यही मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसा आपको स्ट्रेट बैठना है, तो आप ये देख सकते हैं कि एकदम स्ट्रेट बिठा लेंगे, तो आपको हैबिट डालनी है उसके लिए, आपको टोकना है बार बार कि आप ये करें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो मैंने एक्सरसाइज आपको बता दी, तो एक्सरसाइज में आपको चाहे आप बैठ से कर सकते हैं, ये मैंने जो आपको एक्सरसाइज बताई है ये आप बैठ लेके कर सकते हैं दोनों हाथों में, या फिर आप ऐसे रेगुलर कर सकते हैं खाली, तो ये इससे भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो ये बड़ों के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है, तो आप इसको एकदम स्ट्रेट ऐसा ही स्ट्रेट रखें, मतलब बच्चे को जब भी बैठने को बोलें तो उसको बोलें कि स्ट्रेट रखें। और सबसे पहले ये तो आपका हो गया, और मैं आपको बता भी देता हूँ कि जैसे कि बच्चे बैग का यूज़ करते हैं, जो स्कूल ले जाते हैं बैग उसका यूज़ करते हैं, तो उस बैग में क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि ये प्रॉब्लम ना आए, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
हाँ तो गाइज अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बैग में क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो बैग भी आप देख लीजिए कि आप बैगों में ये क्वालिटी होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि आपको रेंज प्राइस डिफरेंस हो ऐसा वैसा, ये सब प्रॉब्लम मैटर नहीं करती। आपको देखना क्या है बैग में वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये जो बैग है तो इसका जो कर्व शेप में ये जो है ये शोल्डर पर लेने के लिए बद्दियाँ जो हैं ये मैं आपको बता दे रहा हूँ ऐसा। तो ये जो नॉर्मली हम लेते हैं ये देखिए, तो इसके हिसाब से मैं आपको ऐसा दिखा देता हूँ कि ये जो कर्व शेप में है, ये कर्व शेप में है, तो ये जो कर्व शेप की वजह से ना इसमें काफ़ी वेनेट आरामदायक बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप इस पर कितना भी वेट ले लें तो भी बच्चे को झुकना नहीं पड़ेगा वेट के लिए, बैग का वजन, बैग के वजन से बच्चा झुकेगा नहीं। तो ये भी आपको नोटिस करना है। ये थी बैग की क्वालिटी। तो आपको किस टाइप के बैग लेने हैं वो मैंने आपको बता दिया है। तो ज़रूरी नहीं कोई भी कंपनी का चलेगा, लेकिन ये क्वालिटी उसमें होनी चाहिए। गाइस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, और आपको वीडियो कैसा लगा है ज़रूर कमेंट्स में बताएँ, और अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल पर।